तो यहाँ से देख सकते हैं आपको जो भी दिख रहा होगा वहां पर भी वही है। तो काइन मास्टर और नवरात्रि, यहाँ से कुछ एप्लीकेशन है और कुछ फाइल्स है और भी गाना है। तो आप देख सकते हैं काइन मास्टर, नवरात्रि और ये वाला रिलीफ, इंस्टाग्राम, ट्यूट एलिमेंट्स, ये भी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप दूसरे मोबाइल का फोटो और वीडियो अपने फोन में कैसे देख सकते हैं, और साथ ही आप उस फोटो और वीडियो को अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं, और आप अपने तरफ से डिलीट करने पर उसका फोन में भी डिलीट हो सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन का जो फोटो और फाइल मैनेजर, यानी कि फोटो वीडियो जो भी है इस फोन में आप कैसे देख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ से करना क्या है, आपको प्ले स्टोर जाना है। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एयरड्रॉप। तो यहाँ से एयरड्रॉप को इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल कर रखा हूँ, यहाँ से ओपन कर लूंगा। तो बस आपको एक जीमेल आईडी देना है जो इस फोन में लॉग इन होना चाहिए। तो यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है, मैं यहाँ से साइन इन कर लूंगा क्योंकि मेरा जो ईमेल आईडी मैं पहले से ही अपने फोन में लॉग इन करके रखा हूँ। तो इस जीमेल आईडी को मैं यहां से लॉगिन कर लेता हूं। तो मेरा जो जीमेल आईडी और पासवर्ड यहां से दे चुका हूं, तो फिलहाल यहां से साइन इन कर लूंगा। एक जीमेल को ओटीपी जाएगा, तो जो पहले करते हैं उसको ओटीपी जाएगा, और वहां से आप ओटीपी देके यहां से आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहां से मैं ओके कर लूंगा, और यहां से मुझे अभी आपको दिखाना है कि फाइल कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि फोटो और वीडियो आप इस फोन में कैसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑन कर लिया हूँ, और आप चाहे तो इसको ऑन करके इस फोन में भी इस फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इस फाइल को अभी शेयर करके आपको दिखा देना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ इस जो एप्लीकेशन को। तो और एक आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी फोन से इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ से एक नोटिफिकेशन आएगा, उससे भी कैसे ऑफ करते हैं मैं आपको अभी इस वीडियो में भी, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से आपको क्रोम जाना पड़ेगा। तो क्रोम जाने के बाद तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है एयरड्रॉइड वेब। तो यहाँ से देख सकते हैं एयरड्रॉइड वेब मैंने सर्च कर लिया हूँ। तो यहाँ से इस पहला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है, या ऑटोमेटिकली की डेस्कटॉप मोड में आ जाता है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड देना है, और जीमेल आईडी के साथ आपका जो पासवर्ड आपने दिया होगा वो दे देना है। तो मेरा जो पासवर्ड है मैं दे चुका हूँ, यहाँ से कर लूंगा साइन इन। आप यहाँ से बारकोड के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने किसी और का फोन में अगर कर रहे हैं तो बारकोड में नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ से कनेक्ट फॉर पूजा आ रहा है नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन सर्च कर लेना है, यहाँ से नोटिफिकेशन जाना है। तो यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, तो यहाँ से मैनेज नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एयरड्रॉप लिखा होगा, तो यहाँ से ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑफ कर लेना है। तो ऐसे क्या होगा, अगर आप किसी फोन से इसे लॉगिन कर रहे हैं तो वो इसमें नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इस फोन का जो फोटो और वीडियो यहाँ से शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से आपको फाइल जाना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, इसका जो फाइल मैनेजर है यहाँ से शो कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला शो कर रहा है, तो मैं भी यहाँ से फाइल मैनेजर जाके आपको वही दिखा देता हूँ जो यहाँ पर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं 360 एंड्रॉइड अलार्म, आप देख सकते हैं 360 एंड्रॉइड अलार्म। तो अभी आपको मैं डाउनलोड में जाता हूँ, और इस फोन में भी डाउनलोड में जाता हूँ, यहाँ से डाउनलोड फोल्डर। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको जो भी दिख रहा होगा वहां पर भी वही है। तो काइन मास्टर और नवरात्रि, यहाँ से कुछ एप्लीकेशन है और कुछ फाइल्स है और भी गाना है। तो आप देख सकते हैं काइन मास्टर, नवरात्रि और ये वाला रिलीफ, इंस्टाग्राम, ट्यूट एलिमेंट्स, ये भी है। तो आप ऐसे करके भी ये भी है। तो आपको अभी बता देता हूँ इस फोल्डर, इस फोन से अगर मैं इसका कोई भी चीज डिलीट कर लूंगा यहाँ से भी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है, यहाँ से आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ से डिलीट में कर लिया, तो जो ये वाला को इसने डिलीट किया, मैं यहाँ से बैक करूंगा और फिर ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ऐसे करके आप भी फोटो वीडियो को इस दूसरे फोन में देख सकते हैं। तो ये आप अपने फ्रेंड के साथ हो या फिर किसी रिलेटिव के साथ प्रैंक कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।